Hello everyone, today I'm going to explain how to use your Power Query. So now this is the Power Query series, मैं हूँ Shirish Tiwari, Update Skills में आप सभी लोगों का स्वागत है. जी हाँ दोस्तों, आप Update Skills में देख रहे हैं Power Query और इस Power Query के series में now currently we have a multiple options. Now इस series में आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपके सामने एक data रखा हुआ है. First we need to understand the data. Data has a date column, subject and the examiner and the course fees and the fees paid and the balance. Similar way, now there are certain code for the subject. So you can see the subject like BCA, Tally, Advanced Excel, and it has a different code, exam 1, exam 2, exam 3, like that way. If I say like I need a record as a code wise, so naturally it is very difficult to get it, or otherwise we need to use VLOOKUP or otherwise the index match. आप जानते हैं कि VLOOKUP से सबसे पहले मुझे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा और दोनों की मैपिंग करनी पड़ेगी. मैपिंग इन द सेंस, अगर ये BCA का रिकॉर्ड मेरे इस डेटा में मैच होता है तो आई नीड अ कोड. सिमिलर वे, अगर एग्जामिनर का नाम इससे मैच होता है सो आई नीड अ लोकेशन. सो लाइक दिस काइंड ऑफ ए डेटा, अगर मैं VLOOKUP यूज़ करूँ, इंडेक्स मैच यूज़ करूँ, येस आई कैन गेट इट. बट द थिंग इज़ वॉट, इन फ्यूचर अगर ये डेटा चेंज होता है तो मुझे वापस से ये सारे प्रोग्रामिंग या कोड मुझे फिर से लिखने पड़ेंगे. दैट इज़ VLOOKUP यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स मैच यूज़ करना पड़ेगा. टू प्रिवेंट दैट वी हैव एडिशनल ऑप्शन, दैट इज़ अ पावर क्वेरी. चलिए देखते हैं ये पावर क्वेरी कैसे हेल्प करता है हमारी. ओके, सो वी हैव अ ऑप्शन कॉल्ड एज मर्ज क्वेरी. सो जी हाँ दोस्तों, ये मर्ज यूज़ करके ही मैं आपको इनके कंबाइन रिजल्ट देने वाला हूँ. सो लेट अस ट्राई. फर्स्ट स्टेप, आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, विच इज़ ऑलरेडी कन्वर्टेड. आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स. नाउ आई हैव अ सेकेंड टेबल, दैट इज अ सब्जेक्ट डिटेल, एंड थर्ड वन एज ए लोकेशन, एग्जाम लोकेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. तो मैं सबसे पहले इस डेटा को ले चलता हूँ आपके पावर क्वेरी के पास. जी हाँ, पावर क्वेरी में जाने के लिए हम लोग डेटा में जाएंगे, और डेटा में सबसे ईजी ऑप्शन है फ्रॉम टेबल. यस, जैसे ही मैंने फ्रॉम टेबल में क्लिक कर दिया तो ये डेटा ऑटोमेटिकली चला गया आपके पावर क्वेरी में फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ ए एडिटिंग और ऑल्ट्रेशन और चेंजेस. जी हाँ, अब इसमें से आपको क्या चेंजेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डेटा को देख सकते हैं, सो ऑलरेडी इट इज़ पिक्ड अप द डेटा टाइप. अब डेटा टाइप में मुझे ऐसे लग रहा है कि सर मुझे टाइमिंग नहीं चाहिए, सो आई कैन गो टू द ट्रांसफॉर्म और यहाँ जाके मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, दैट इज़ अ डेट. सो आई गॉट इट ओनली द डेट. आप देख सकते हैं इस डेटा में मेरे पास यहाँ पे डेट ऑप्शन आ गया ये. ओके, नथिंग एल्स, मैंने ये डेटा को ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया. रेस्ट ऑफ द डेटा आई फील दिस इज अ करेक्ट, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ ए चेंजेस. ओके, अगर चेंजेस मुझे नहीं करना है तो मैं सिंपली आगे बढ़ता हूँ गाइस, होम में चले जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद मैं क्लोज एंड लोड नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट डेटा इन अ सेपरेट पर्टिकुलर शीट. मैं सिर्फ डेटा का कनेक्शन चाहिए. सो आई जस्ट क्लिक ऑन लोड टू. जैसे मैं लोड टू पे क्लिक कर देता हूँ, ये पूछता है सर एक्चुअल में ये डेटा आपको चाहिए इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल और किसी न्यू शीट में चाहिए और इन द फॉर्मेट ऑफ ओनली कनेक्शन. सो आई रिक्वायर्ड ओनली कनेक्शन. ओके, लोड. गाइस, जैसे ही मैंने लोड पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं आपका सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है. यस, इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ कनेक्शन. दैट मीन्स इन फ्यूचर इट इज़ रिक्वायर्ड. तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटा फिर से पावर क्वेरी में चला जाएगा. लेट इस गो एंड डू विद द नेक्स्ट टेबल. हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम स्टेप्स फ्रॉम टेबल, और इसका भी नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट डिटेल. तो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज दिस, द नेम इज ऑल्सो प्रॉपर. सो गाइज, यहाँ पे भी मैं वही स्टेप्स यूज करने वाला हूँ, नथिंग एल्स. यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं क्लोज एंड लोड टू. नाउ जैसे मैंने क्लिक कर दिया, स्टिल आई नीड ओनली क्रिएट अ कनेक्शन, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा लोड. ओके, सो आप देख सकते हैं ये दो टेबल को हम लोगों ने यहाँ पे एज ए टेस्ट कनेक्शन के थ्रू ऐड कर दिया. लेट अस गो फॉर द थर्ड वन. मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेम स्टेप्स. ओके, एंड देन फाइनली फ्रॉम टेबल. सो दैट मींस ये तीनों टेबल, आई हैव अ थ्री टेबल्स, और ये थ्री टेबल्स को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया पावर क्वेरी में, एंड द डेटा इज लोडेड ओनली एज ए कनेक्शन. वी डोंट हैव अ फिजिकल डेटा. फिजिकल डेटा इन द सेंस, आप डेटा यहाँ पे देख नहीं सकते. डेटा है ऑलरेडी, इन केस इफ़ यू रिक्वायर डू एनी काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन, आप डबल क्लिक करके जा सकते हैं, नो डाउट, कैरी ऑन. सो गाइज, आई हैव अ क्रिएटेड द थ्री कनेक्शंस. अब ये तीनों कनेक्शन में सबसे पहला हमारी रिक्वायरमेंट है कि डेटा को हम मर्ज कैसे करेंगे. जैसे आप VLOOKUP करते हैं, इंडेक्स मैच करते हैं, सेम वही पैटर्न यूज़ करना है, नथिंग एल्स. इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं चलता हूँ यहाँ पे हमारी न्यू क्वेरी के पास. देयर इज़ ऑप्शन कॉल्ड एज मर्ज. आप यहाँ पे भी मर्ज ले सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी आप मर्ज ऑप्शन के पास जा सकते हैं. नाउ मर्ज ऑप्शन ऑप्शन में जाने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप, आपको यहाँ पे जो चूज़ करना है द टेबल विच हैज़ अ मैक्सिमम रिकॉर्ड.
ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट इज़ माई पैटर्न। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। नाउ स्टूडेंट डिटेल हैज़ अ मैक्सिमम डेटा। उसके बाद मैं वो डेटा लेता हूँ जिसके साथ मैं इसे मैच करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मैच करता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, आई रिपीट, मैं इसे मैच कर रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल्स को सब्जेक्ट डिटेल के साथ हम मैच कर दें। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट डिटेल पे क्लिक कर दिया, नाउ वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप। ये दोनों डेटा में आपके पास रिलेशनल डेटा क्या आई है गाइस? अगर आप देख सकते हैं तो इसके पास डेट है बट यहाँ पे डेट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है बट इसके पास भी सब्जेक्ट है। येस आई गॉट इट। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये डेटा को सेलेक्ट करना है और ये डेटा को मुझे यहाँ पे नीचे ला के इस सब्जेक्ट पे भी क्लिक करना है। दैट मीन्स वो डेटा आपको सेलेक्ट करना है जो दोनों टेबल में मैच हो रहा है। येस ये दोनों टेबल के डेटा के अकॉर्डिंगली मैं मर्ज करना चाहता हूँ। येस मर्ज करूँगा तो गाइज यू विल गेट अ एडिशनल कॉलम फ्रॉम वेयर आई कैन आइडेंटिफाई विच सब्जेक्ट इज दिस। ओके सो अब इसके बाद आप किस तरह के मर्ज करना चाहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मर्जिंग अ डेटा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइज, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ऑल फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब आपके जो बड़े टेबल हैं दैट इज़ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट डिटेल्स, उसका सारा रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड जो मैच हो रहा है हमारे सेकंड टेबल के साथ में। तो प्रेफरेबल है ऑलवेज यू कैन गो फॉर द एनी टाइप ऑफ ए कनेक्शन, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो इन दिस केस आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑल फ्रॉम द फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड। आई रिपीट, मैं यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेता हूँ गाइज, यहाँ से हम लोगों ने ऑप्शन लिया ऑल फ्रॉम द फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम द सेकेंड, करेक्ट। यहाँ पे भी आप ऑप्शन पे क्लिक करो ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। अब क्लिक करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, बिफोर दैट ये बता रहा है कि सर ये जो डेटा है इसके 441 से मैच हो रहे हैं रोज़। ओके मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो इट विल मर्ज द क्वेरी। आप देख सकते हैं मर्ज क्वेरी करने के बाद ये टेबल नाम का ऑप्शन आ गया। अगर आप एक्चुअल में डेटा देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ये BCA में आपको एग्जाम कोड मिल गए। यहाँ पे जिस भी डेटा पे क्लिक करूँगा तो आपके एग्जाम कोड आ जाएंगे। फर्दर गाइज मैं एक एक करके नहीं, मैं तो सारा डेटा देखना चाहता हूँ, तो नेचुरली मैं ये एरो जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि सर इसमें से क्या डेटा चाहिए गाइज, तो इसमें से पहले सब ये टिक मार्क निकाल दो। गाइज हमारे पास सब्जेक्ट तो ऑलरेडी थे बट वी आर मिसिंग विद द कोड, तो मैं सिर्फ ये कोड ले लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि इसको और कोई एडिशनल नेम जो आपके टेबल के हिसाब से, तो मैं इसे भी निकाल देता हूँ बिकॉज आई नीड ओनली दिस सब्जेक्ट कोड। ओके नाउ जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया माई जॉब इज़ डन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट का कोड आ गया है। ओके सो दैट मीन्स दो टेबल को हम लोगों ने मर्ज कर दिया। ओके फाइनली अगर आप चाहें तो इसे ड्रैग करके प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जामिनर है तो एग्जामिनर ने किस सब्जेक्ट की एग्जाम ली, या सब्जेक्ट के बाजू में मैं कोड रखना चाहता हूँ तो आई कैन सी द सब्जेक्ट एज वेल एज अ एग्जाम कोड। ओके उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे चला जाता हूँ क्लोज एंड लोड टू। जैसे मैंने क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर दिया गाइस, तो ये डेटा वापस सेम स्टेप पे आ गया है। क्या फिजिकल डेटा आपकी रिक्वायरमेंट है? नो आई डोंट वांट फिजिकल डेटा, आई नीड अ वर्चुअल डेटा। सो आई जस्ट क्लिक ऑन ओनली क्रिएट अ कनेक्शन। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैंने ऐसे क्यों किया, एग्जैक्टली नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक वाई आई डिड दैट। ओके बेसिकली आई हैव अ मंथली रिपोर्ट, आई डोंट वॉन्ट दैट मर्ज डेटा दैट इज सब्जेक्ट कोड एंड द मर्ज विद माई एंटायर स्टूडेंट डिटेल्स। तो ये दोनों मैंने मर्ज तो कर दिया बट ये मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज स्टिल इट इज़ नॉट एट फाइनलाइज, आई नीड टू मर्ज विद द लोकेशन ऑल्सो। अब लोकेशन के लिए गाइज हमें थोड़ी सी और आगे स्टेप बढ़ने होंगे। येस यू शुड हैव अ पेशेंस और आपको लास्ट तक मेरी इस वीडियो को देखना है। जी हाँ, टू अंडरस्टैंड द क्लियर कॉन्सेप्ट यू नीड टू गो थ्रू द एंड। फिलहाल हम चलते हैं और आगे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मर्ज। जैसे ही मैं इस मर्ज में आ गया, अब आपके पास यहाँ पे गाइस पहले तीन टेबल थे और अब आपके पास तीन नहीं चार हो गए टेबल। यस ये जो फोर्थ टेबल है इसके अंदर हमारे पास दो टेबल का मर्ज रिकॉर्ड है। जी आप देख सकते हैं सारा डेटा एक साथ में दिखाई दे रहा है और इसे मर्ज करना चाहता हूँ मैं लोकेशन टेबल के साथ में, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एग्जाम लोकेशन। अब फाइनली वापस आपको रिलेशन बनाना है सेम एज इट इज़ व्हाट वी डिड प्रीवियसली। अब इस डेटा में देख सकते हैं आप डेट है बट वी आर नॉट हैविंग अ डेट इन द सेकंड टेबल। सब्जेक्ट येस वी आर मिसिंग विद द सब्जेक्ट ऑल्सो, सब्जेक्ट कोड भी नहीं है। एग्जामिनर येस आई गॉट इट, दिस एग्जामिनर इज अ ओनली डेटा विच इज मैचिंग विद बोथ द टेबल। सो गाइज ये दोनों को कंट्रोल प्रेस करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम वे आप किस तरह का मैच करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जैक्टली आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कैसे यूज करना है गाइज। ऑल फ्रॉम द फर्स्ट एंड जो रिमेनिंग सेकेंड टेबल का डेटा होगा वो मुझे चाहिए, और मैं अभी इसे क्लिक कर देता हूँ ओके।
जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ, सेम एज ए प्रीवियसली जैसे आपने देखा दो टेबल मर्ज हो गए, यहाँ पे भी टेबल मर्ज हो गए। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा गाइस। ओके सो यस, प्रियंका का लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और एक स्टेप बैक कर लेता हूँ गाइस। अब ये डेटा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, आई नीड अ लोकेशन। सो यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर देंगे, सिमिलर वे रिमूव एवरीथिंग और जस्ट मैं ऑन कर देता हूँ लोकेशन, नेम एज इट इज लोकेशन विल डू, इसे भी निकाल के आप ओके कर दो। यस नाउ आई एम द ऑन द लास्ट कमांड। अब मैं एक लास्ट और फाइनल कमांड पे क्लिक करूंगा जिसके बाद आपका डेटा एग्जैक्टली जैसे आप वी लुकअप और इंडेक्स मैच के थ्रू करते हैं, योर जॉब इज डन। ओके फाइनली आई एम गोइंग टू क्लिक विद द लास्ट ऑप्शन और यहाँ से जाके मैं क्लिक कर देता हूँ क्लोज एंड लोड टू। यस नाउ अब मैं क्लोज एंड लोड टू नहीं करता बिकॉज मुझे वर्चुअल नहीं, आई नीड अ फिजिकल डेटा। अब जैसे मैं फिजिकल डेटा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सारा डेटा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है गाइस। अगर ये डाउनलोडिंग नहीं आ रहा है दैट मीन्स वी मेड अ सम एरर। सो मैं वापस यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और चलता हूँ अपने एरर के पास कि वॉट एरर आई डिड। ओके आप यहाँ देख सकते हैं कुछ डेटा मिसमैच हो रहा है। ओके तो इस मिसमैच के लिए हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। मैं अपने सोर्स डेटा पे आ जाता हूँ, आई कैन सी द टेबल। यहाँ जाने के बाद गाइस क्लिक कर दिया मैंने, आई रिमूव एवरीथिंग, मैंने यहाँ से ले लिया लोकेशन और यहाँ से ये प्रीफिक्स को निकाल के ओके कर देता हूँ। ओके उसके बाद आप इंसर्ट, जैसे आप इंसर्ट करते हैं आपको सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देता है। फाइनल एंड द लास्ट स्टेप लोकेशन यू कैन ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके एंड फाइनली मैं क्लिक कर देता हूँ क्लोज एंड लोड टू। नाउ क्लोज एंड लोड पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए गाइस। इट इज़ वर्किंग इन अ बैकग्राउंड एक्सेप्शन एरर द कॉलम एग्जाम लोकेशन टेबल वॉजेंट फाउंड एग्जाम लोकेशन। लेट मी डू इट एंड चेक इट आउट कि वेदर वॉट मिस्टेक्स वी डिड। एग्जाम लोकेशन यस वी आर हैविंग दिस मर्ज नंबर टू। यस आई हैव एंटायर डेटा, लेट मी गो बैक टू दिस देन फाइनली आई रिमूव दिस ओनली द लोकेशन। ओके लेट मी ट्राई इट विद दिस बट हियर द डेटा इज क्लियर्ड मर्ज वन एंड द मर्ज टू। ओके गाइज लेट इट बी लोड एंड प्रीव्यू। ओके लेट मी रिमूव दिस एंड ट्राई वंस अगेन। आई जस्ट डिलीट इट, समटाइम इट मे हैपन्स, नथिंग एल्स, वी विल डू इट वंस अगेन। ओके सो आई जस्ट क्लिक टू दिस कंबाइन एंड देन फाइनली मर्ज। देन फाइनली यू हैव टू चूज योर डेटा कॉल्ड एज मर्ज वन। यू कैन चेंज द हेडिंग ऑल्सो इफ यू डोंट लाइक दिस एंड देन फाइनली मर्ज विद द सब्जेक्ट डिटेल्स एग्जाम लोकेशन। ओके सो एग्जाम लोकेशन एंड वी नीड अ मैचिंग डेटा एग्जामिनर एंड हियर ऑल्सो एग्जामिनर। सी गाइस द स्पेलिंग हैज़ टू बी मैच, स्पेलिंग हैज़ टू मैच विद द बोथ द टेबल्स। देन फाइनली आई जस्ट क्लिक टू दिस देन द लास्ट स्टेप ओके। सो व्हेन आई से ओके सो बोथ द टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स आर हैविंग इन डिफरेंट कॉलम। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग और फाइनली मैं क्लिक कर दूंगा गाइज लोकेशन इज माई रिक्वायरमेंट। ओके आप चाहें तो इसके नाम को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एज आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो, और अदरवाइज फाइनली हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड। ओके सो जैसे ही मैंने क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दिया तो यू विल गेट ऑल द डेटा, करेक्ट यू विल गेट ऑल द डेटा। सो जितना भी डेटा हमारे पास टेबल नंबर वन में था गाइस और उसके साथ में ये सारे कोड और उनके एड्रेस के साथ में लोकेशन के साथ में एग्जैक्टली मैच होके यहाँ पे डेटा आ गया। यस अब इस डेटा से आप प्रॉपरली अपने लाइक एनालिसिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड एनालिसिस, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन कहा गया कि सर मैं जानना चाहता हूँ एग्जामिनर ने
बराबर ना, एग्जामिनर वाइज स्टूडेंट की फीस बैलेंस देखना चाहता हूँ, या सब्जेक्ट वाइज फीस बैलेंस देखना चाहता हूँ, या लोकेशन वाइज स्टूडेंट काउंट करना चाहता हूँ. सो डेफिनेटली ये डेटा ऑलरेडी है हमारे पास, हम चले जाते हैं ऑल्ट एन वी, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज़ द पाइवट टेबल. यस, अगर आपने पाइवट टेबल की सीरीज़ नहीं देखी कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे पास पाइवट टेबल के सीरीज़ हैं जिसके अंदर वी हैव एन नंबर ऑफ डेटा. अब मैं इस डेटा के ऊपर मैं चलता हूँ, लोकेशन वाइज काउंट करता हूँ कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास. ओके, लोकेशन वाइज वी कैन डू दैट लाइक सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ सब्जेक्ट. सो अब आप देख सकते हैं अलाहाबाद में इतने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए. सिमिलर वे अगर आपका टॉपिक चेंज हो जा रहा है तो येस वी कैन डू सर्टेन एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा था कि सब्जेक्ट वाइज मैं बैलेंस देखना चाहता हूँ, तो आई कैन जस्ट पुट द सब्जेक्ट, आई रिपीट, आई कैन जस्ट पुट द सब्जेक्ट. ओके, और सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे ले लीजिएगा गाइस आपका बैलेंस. तो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट वाइज बैलेंस. देन फाइनली इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी डेटा के ऊपर हम चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं. यस, अब आप डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं. सो गाइस, दिस इज़ ओवरऑल हाउ टू मर्ज योर डेटा. आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिमिलर डेटा नहीं था, बट ड्यू टू दिस मर्ज क्वेरी आई कैन मर्ज एंटायर डेटा. और उसी के साथ में हमने इतना बड़ा ये रिपोर्ट और साथ में यहाँ पे एनालिसिस कर लिया. So now, it is your time to do your practice. If you have any query, so just remember to send me the mail. Or if you are interested for buying my Power Query video series, so you can buy. For more details, you can contact on this given number. So till then, have a great day and goodbye.